नाउ द टर्न ऑफ मसल्स टिश्यू। हम अपने पिछले टॉपिक्स में बहुत सारे एपिथेलियम टिश्यूज को डिस्कस कर चुके थे, अब मसल्स टिश्यूज का टर्न है। देखिए, मसल्स टिश्यूज आपको पहले ही बता दिया था, मूवमेंट अलाउ करता है। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखना किसी सामान को, जाना या फिर झुकना उठना, ये मूवमेंट कौन आपको प्रोवाइड करता है? मसल्स टिश्यू करता है, ठीक है। तो तभी यहाँ पे लिखा है क्लास, अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रेचेबल, मतलब जो खिंचाव और मतलब खिंचाव को उत्पन्न करते हैं आपके शरीर के अंदर। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मसल्स जो होते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ मसल्स आपके होते हैं तीन तरीके के। स्मूथ मसल्स, यहाँ पे स्केलेटन लिख गया था, स्मूथ मसल्स होगा, यहाँ पे स्मूथ मसल्स है, स्केलेटन मसल्स है, कार्डियक मसल्स हैं। जब भी आपके स्मूथ मसल्स की बात हो तो आपके अंदर की मसल्स जो सबसे मुलायम है, सबसे मतलब नाजुक हैं, तो अंदर की मसल्स ही सबसे ज़्यादा मुलायम होती हैं क्लास, जो कि आपके इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन देखिए यहाँ पे बन रखा है आपके स्टमक की, चाहे वो स्टमक की मसल्स हो गई, ठीक है। तो देखते हैं, आप स्टमक में खाना भरता है तो स्टमक फूल जाता है, स्टमक मतलब स्ट्रेचेबल, मतलब आपका स्टमक स्ट्रेचेबल होगा तभी तो वो फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तभी हो रहा है जब उसमें स्मूथ मसल्स हैं, है ना। और स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं क्लास जो कि मजबूत हैं, ठीक है, और जो आपके अनुसार वर्क करती हैं, मतलब आपके कंट्रोल में होती हैं। कार्डियक मसल्स, कार्डियक कहीं भी वर्ड लिख के आए तो समझ लीजिएगा आप हार्ट की बात हो रही है क्लास, हार्ट से रिलेटेड जो मसल्स होंगी उन्हीं को कहा जाता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल्स आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, ये इनको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो इस तरीके का आपको डायग्राम नज़र आएगा जब आप स्केलेटल स्मूथ मसल्स को देखेंगे। स्केलेटल मसल्स को देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोपिक से कुछ इस तरीके से का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और अगर आप कार्डियक मसल्स को देखेंगे तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स आपको अपीयर होगा, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स कहते होते हैं अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड मतलब स्ट्रेट, मतलब क्लास सीधा सीधा। इनकी जो मसल्स होती हैं, इनके जो मसल्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, जो इसकी मसल्स हैं वो सीधी सीधी नहीं है, अनस्ट्रेटेड है, मतलब घूमी हुई हैं, ठीक है। मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री का मतलब है क्लास जो अपने कंट्रोल में ना हो, ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब है विच दोज मूवमेंट आर नॉट कंट्रोल इन आवर विल, जो अपने मतलब इच्छा से कंट्रोल में मतलब नहीं होते हैं, अब मूवमेंट अपने इच्छा से मतलब अपनी इच्छा से आप कंट्रोल नहीं कर सकते जिन मूवमेंट को, जैसे आप जानते हैं आप अपने स्टमक की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप इंटेस्टाइन की वॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना, तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इनवॉलेंट्री। ये कैसी मसल्स हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जिन्हें आपकी कंट्रोल, जिनको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये अपने अनुसार कंट्रोल करती हैं अपने आप, है ना। क्योंकि देखिए, आप अगर मतलब जैसे आप देख रहे हो कि आप चाहो कि आपका स्टमक अब फूल जाए, आपका स्टमक अब सिकुड़ जाए, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इंटेस्टाइन जो है वो वर्क करे आपके अकॉर्डिंग, तो ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री विच आर नॉट कंट्रोल इन अवर विल, ठीक है। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप मतलब ये ऐसा शेप को आप स्पिंडल शेप कहते हो क्लास, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे इनके सेल भी किस शेप के हैं? स्पिंडल शेप के हैं, है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब आप इस स्पिंडल शेप के अंदर देख रहे हो एक न्यूक्लियस है, देखिए ना, एक न्यूक्लियस है प्रेजेंट, तभी यहाँ पे लिखा है यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब होता है यूनि मतलब वन, न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड मतलब होता है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर एक सेल में, तो इस तभी इनको कहा जा रहा है यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। अनब्रांच्ड है, इनमें से कोई शाखा तो निकली नहीं है, मतलब इनमें से कोई और स्पिंडल शेप तो जुड़े नहीं है, अलग अलग हैं सब, देखिए अलग अलग हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है अनब्रांच्ड, ठीक है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटन मसल्स, नेक्स्ट इज स्केलेटन मसल्स। ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं, स्ट्रेट है, देखिए यहाँ पे स्पिंडल शेप था क्योंकि यहाँ पे रोटेट हो रही थी, कर्व था इनमें, ये स्ट्रेटेड हैं मतलब बिल्कुल सीधी सीधी हैं स्ट्रेटेड मसल्स, इनमें लाइनिंग गई हुई है, देखिए है ना, लाइनिंग भी गई हुई है, तो ऐसी मसल्स को आप स्ट्रेटेड मसल्स कहते हो, इनमें कोई लाइनिंग नहीं गई हुई है ना, देखिए। तो तभी इनको क्या कह रहे थे आप? अनस्ट्रिएटेड। अनस्ट्रिएटेड मतलब होता है क्लास एक तरीके से जो आपके मतलब लाइनिंग गई हो सीधी सीधी, तो ये अनस्ट्रेटेड है, ये स्ट्रेटेड है, ठीक है। वॉलेंट्री है, ये अपने कंट्रोल में होती है, जैसे आपकी आर्म्स की मसल्स, शोल्डर की मसल्स, आपके अपने कंट्रोल में एक्सरसाइज कर करके आप उसको बाइसेप ट्राइसेप बना लेते हैं, है ना, तो ये आपके अपने कंट्रोल में है वॉलेंट्री, तभी लिखा है यहाँ पे। वॉलेंट्री वो होती हैं जो अपने कंट्रोल में होती हैं, मसल्स विच आर कंट्रोल इन अवर विल, जो आपके आपकी इच्छा अनुसार मूवमेंट करेंगे, ठीक है।
और इनवॉलेंट्री क्या होती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। सिलेंड्रिकल, इनका शेप कैसा है सिलेंड्रिकल, देखिए ऐसा सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल ऐसा, यहाँ पे ऐसा सिलेंड्रिकल शेप है इसलिए आपको सिलेंड्रिकल शेप लिखा हुआ है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, आप देख रहे हैं एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटल मसल्स का अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड है, इनमें भी कोई ब्रांच नहीं गई हुई है, सब ऐसी सिंगल सिंगल है ना। तो अब आ जाते हैं कार्डियक मसल्स की, और कार्डियक मसल्स आप जानते थे हार्ट की बात हो रही है, हार्ट भी आपका क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तभी यहाँ पे इनवॉलेंट्री लिखा है। और कहाँ प्रेजेंट होंगी हार्ट मसल्स, ये आपको बता दिया है मैंने पहले ही कि याद रखना है आपको, कार्डियक मसल्स की बात हो रही हो तो आपके हार्ट की बात हो रही है, इसका मतलब इनवॉलेंट्री है, मतलब ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल आप देख रहे हैं, इनमें भी सिलेंड्रिकल शेप बना हुआ है ना, सिलेंड्रिकल जैसा। ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, इनमें भी एक ही एक सेल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसीलिए इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता था, ठीक है। देखिए अब ये ब्रांच्ड है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप एक ही से दो दो ब्रांचेस गई हुई हैं, एक ही से दो दो ब्रांचेस गई हुई हैं, तो ये आपकी ब्रांच्ड है, बाकी सब कैसी थी अनब्रांच थी, क्योंकि इनमें से कोई ब्रांच नहीं गई थी। तो इनका मैंने डिफरेंशिएशन करके आपको समझाया है ताकि आपको ईजिली समझ में आए, ये था आपका टाइप्स ऑफ मसल्स। हम इसके बारे में, इसके और कुछ भी कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट।